सुलेमान के श्रेष्ठ गीत अध्याय सात। सुलेमान के श्रेष्ठ गीत अध्याय सात। हे कुलीन पुरुष की पुत्री, तेरे पांव जूतियों में क्या ही सुंदर है। तेरी जांघों की गोलाई ऐसे गहनों के समान है जिनको किसी निपुण कारीगर ने बनाया हो। तेरी नाभि गोल कटोरा है जो मसाला मिले हुए दाख मधु से पूर्ण हो। तेरा पेट गेहूं के ढेर के समान है जिसके चहुं ओर सोसन के फूल हो। तेरी दोनों छातियां मुर्गनी के दो जुड़वे बच्चों के समान है। तेरा गला हाथी दांत का गुम्मट है। तेरी आंखें हेशपोन के उन कुंडों के समान है जो बत्रपिम के फाटक के पास है। तेरी नाक लबानोन के गुम्मट के तुल्य है जिसका मुख दमिश्क की ओर है। तेरा सिर तुझ पर कर्मेल के समान है और तेरे सर के लटके हुए बाल अर्गवानी रंग के वस्त्र के तुल्य है। राजा उन लटाओं में बंधुआ हो गया है। हे प्रिया, तू आनंद प्रमोद के लिए कैसी सुंदरी और कैसी मनोहर है। तेरा डील डोल खजूर के तुल्य है। तेरी छातियां अंगूर के गुच्छे के समान दिख पड़ती है। मैंने कहा, मैं इस खजूर पर चढ़कर उनकी डालियों को पकड़ूंगा। तेरी छातियां अंगूर के गुच्छे हो और तेरी श्वास का सुगंध सेबों के समान हो और तेरा मुखड़ा उत्तम दाख मधु के समान हो जो मेरे प्रेमी की ओर सीधी बहती चली जाती है और खाने वालों के ओठों पर से धीरे धीरे बह जाती है। मैं अपने प्रेमी की हूँ और उसकी लालसा मेरी ओर नित बनी रहती है। हे मेरे प्रेमी, चल हम खेतों में निकल जाए और गांवों में रात बिताए, फिर सवेरे उठकर दाख की बारियों में चले और देखे कि दाखलता में कली लगी है और उसमें फूल खिले हैं और अनार फूले हैं वह नहीं। वहां मैं तुझको अपना प्रेम दिखाऊंगी। दोदा फलों की सुगंध आ रही है और हमारे द्वारों पर क्या नए क्या पुराने सब भांति के उत्तम फल है जो मैंने ही मेरे प्रेमी के लिए इकट्ठे कर रखे हैं।